बीती रात तेज बारिश होने से तेलोडी पेट्रोल पंप के पास काफी सारा पानी रोड पर ही जमा हो गया है। शनिवार को इससे राहगीरों को भारी परेशानी हुई। बारिश होने के बाद से तेलोडी पेट्रोल पंप के पास पता ही नहीं चल पा रहा कि यह सड़क है या तालाब। सड़क पर पानी काफी मात्रा में जमा हो जाने से मोटरसाइकिल चालकों को काफी परेशानी हो जाती है और नए लोग अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं। इधर पानी के बीच से पास होने के क्रम में ऑटो के इंजन में पानी घुस जा रहा है, जिससे ऑटो बंद पड़ जा रहा है और सवारियों को धक्का देकर ऑटो को यहां से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी मुखिया सगीर आलम को दी तो मुखिया ने विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से बात की। विधायक ने कहा कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी से बात कर ली है, जल्द ही यहां नाले का निर्माण किया जाएगा। जानकारी मिली है, ये लगा करके दो बार लोगों ने मुझे फोन किया है, फोटो भेजा है। मैंने जो राजेंद्र सिंह है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी रोड के, मैंने उनके संज्ञान में बात डाली है, उनको फोटो भी मैंने भेजा है और मैंने उनसे कहा है कि अविलंब पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। अगर आप समझते हैं जाँच करवाने के बाद कि दोनों तरफ नाली की व्यवस्था हो जिससे पानी निकल जाए, क्योंकि लोगों को दिक्कत नहीं हो और ये दिक्कत मैं भी फेस कर रहा हूँ। आज ही मैं पानी इकट्ठा हुआ आया हूँ और फिर मैं इसको दोबारा उनसे रिपीट करूँगा, निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ फलाफल हम लोग निकालेंगे। इसको जो तकलीफ है उसको मैं दूर करूँगा। धन्यवाद।